अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, बिकॉज आज मैं 24 आवर्स स्पेंड करने वाली हूँ अपनी नीसेस और नेफ्यूज के साथ, जो के हैं ये लोग। तो आज का पूरा दिन मैंने इन पांचों के साथ स्पेंड करना है और अल्लाह ही जानता है कि आज का दिन कैसा होने वाला है। आप लोग मुझे तंग तो नहीं करने वाले? नहीं, एंजॉय करेंगे। एक्चुअली बात यह है कि इनके पेरेंट्स नहीं होंगे आज हमारे साथ, सिर्फ मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। नहीं नहीं, मेरे साथ ये सब है, मेरे साथ मैं नहीं हूँ। तो अब चलते हैं हम लोग और आपको दिखाते हैं कि हम लोग पहले कहाँ घूमने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गो किड्स। तो तैमूर आ चुके हैं हमें पिक करने, आयरा के बाबा हमें ड्रॉप करेंगे हमारी फर्स्ट लोकेशन पर और उसके बाद इनका जहाँ दिल जाएगा वहाँ चले जाएंगे। इसका ज्वेलरी बॉक्स लेकर ही नहीं आए थे। चलो आयरा बैठो, आपको पहनाते हैं ज्वेलरी और क्लिप्स वगैरह। बैठो है ना, मैं कहाँ जाऊँगी। दो बच्चे आगे बैठो ना। अच्छा, दो बैठ गए ऑलरेडी आगे। हाँ, ये भी एक टास्क होने वाला है हमारे लिए। चले मैं बैठती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। जी, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आज हम जा रहे हैं मैग्नीफाई साइंस सेंटर, जो कि 2021 में ओपन हुआ था और ये बना हुआ है पॉट ग्रैंड के करीब। हम पहले कभी यहाँ नहीं गए, लेकिन इस बार यहाँ से इनवाइट आया था एंड दे सेड कि आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके आ सकती हैं, तो आप आएँ विजिट करें और हमारे मैग्नीफाई सेंटर के बारे में लोगों को अवेयरनेस दें, लोगों को भी बताएं इसके बारे में, इसको रिव्यू करें। तो मैंने सोचा कि आज यहाँ अपने नीसेज और नेफ्यू को लेके जाया जाए और वो भी इंजॉय कर लेंगे और साथ साथ आप भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ। फाइनली हम मैग्नीफाई साइंस पहुँच चुके हैं। कैसा लग रहा है बच्चों? धूप लग रही है, चलो अंदर चले। चलो चलो चलो, हमारे लिए तो यहाँ का पास फ्री था, बट अदरवाइज यहाँ के टिकट प्राइस है 1100 रुपीज ऑन वीक डेज, फ्राइडे को ऑफ होता है और सैटरडे संडे 1200 रुपीज। मेरे ख्याल से हमें ना 1 by 1 चलना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आओ, और सबने मेरे साथ ही रहना है, कोई भी इधर उधर नहीं होगा। लड्डू साथ रहना है, ओके? क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर, ये भी तो बताएं। लिख लो, लिख लो नेम, लिख लो। तुम यकीनन BTS लिख रही होगी। बी लिख चुकी है आयरा को, देखो जरा। आप क्या लिख रही हो आयरा? आयरा क्या लिख रही है? इंटर होते ही अभी तक तो मुझे काफी कूल प्लेस लग रहा है ये, स्पेशली फॉर किड्स। कहाँ जाना है आपने? अभी चलेंगे सब 1 by 1, ठीक है? एक ही जगह पर रहो वरना मुझे तुम लोगों को ढूंढने में बड़ी मुश्किल पेश आएगी। सब अभी यहीं पे रहो, नाम लिख लो, फिर चलते हैं ऊपर, ठीक है? ओके। माहीन का कंप्लीट हो गया है, BTS। पर माहीन आपने इतना मिला के लिखा है ना कि वो समझ ही नहीं आ रहा आपको ना, यहाँ बी और टी और एस की यहाँ पे भी गैप देना था, यहाँ पर भी गैप देना था। मुझे साइड पे जाना है अभी नहीं, सब साथ जाना। ये ए लग रहा है, ये लगाओ पर्पल, ये वाला ये नहीं लग रहा था। माहीन का BTS अभी आगे पूरा खराब? नहीं नहीं, खराब नहीं किया। इसको ए को सही करो, लास्ट वाले को। ये लो, ए नहीं क्लियर बन रहा लेकिन फिर भी बेटर है। हो गया, या एक ही जगह टाइम वेस्ट करना है तुम लोगों ने? चले नहीं। ये है क्या, पहले पढ़ो तो सही। सोर्सेज ऑफ फूड, रिजा के जराए। जी जी, आर वेरी नाइस। चल रहे चल रहे, चलो हो गया, आगे बढ़े। हाँ जाओ, स्लाइड लेकर आओ, यहाँ से जाओ ऊपर, मैं यहीं खड़ी हूँ, जल्दी वापस आओ। देखना इसको, देखो जरा। एना के एक्सप्रेशन। हाय,
और ये यहाँ से आ रही हैं। स्लाइड नहीं ली आपने? मैं आ गई। ऐना दिखा चुकी है मुझे ऑलरेडी। वेरी नाइस। उसको देखो जरा लड्डू, बिहेव योरसेल्फ। आयरा आयरा स्लोली वाइंड। अब ये लोग जा रहे हैं एम्बुलेंस में। आयरा हैरानगी से देख रही है कि अंदर क्या है। जाओ आयरा एक्सप्लोर करो। खत्म। बाय बाय टाटा। गाइज यू हैव टू बी टुगेदर। इधर उधर मत जाओ। सीपीआर देने के लिए आपको 30 कंप्रेशन देने होते हैं चेस्ट पर। यहाँ आप हाथ रखेंगे, ठीक है, इस तरह से अपने आर्म्स को आपको बिल्कुल फर्म रखना है। उसके बाद आपने 30 कंप्रेशन देना है। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, ठीक है। और फिर 30 कंप्रेशन के बाद 2 वेंटिलेशन है, फिर दोबारा 30 कंप्रेशन, ठीक है, और फिर 2 वेंटिलेशन। और अगर कोई सडन कॉलेप्स हो जाता है तो उसको हम डायरेक्ट 100 कंप्रेशन देते हैं डायरेक्ट, ताकि वो जल्द से जल्द रिवाइव हो जाए। जहां पर भी रखोगी ना तो आपको बॉडी साउंड सुनाई देगा। ये स्नीजिंग है, स्नीजिंग, कफिंग, स्नीजिंग साउंड, कफिंग साउंड, हार्ट बीट है उसकी, ये ग्रोलिंग है। हमें से आवाज आ रही है बेबी, इट्स बॉडी साउंड। या जंप नहीं करना, ये बात लग जाएगी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि नीसेस और नेफ्यू के साथ आना जरा मुश्किल हो सकता है कभी कभी। उसको देखो जरा कहाँ पहुंच गया है। जी ताबी रुको जरा, सबर करो। जी आयरा वो बहुत ऊपर है बेबी, माइन इसको भी थोड़ा सा ऊपर करो। तुम लोगों ने अब किया उसे भी करना है। चलो बेबी अभी तक हमने कंप्लीट ग्राउंड फ्लोर भी एक्सप्लोर नहीं किया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत ही डिफरेंट टाइप के साइंस प्रोजेक्ट्स हैं और बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। वेरी नाइस। यहाँ इन्होंने एक ऑटो भी रखा हुआ है जो आज ऐना चलाएंगी, ऐना ऑटो वाली। माई
और एक ट्रक भी है। एना और माही जा रही हैं ऑटो पे। कहाँ जा रही हैं आप दोनों? हम तो जा रहे हैं, हम तो सी व्यू जा रहे हैं। सी व्यू जा रही हैं। और उनको देखें जरा, वो मेरे बिना ही ऊपर चले गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 1 2 3 4 5 वेयर 6 नंबर 6 कहाँ है ना? आज मेरा अच्छा खासा वेट कम हो जाएगा इन सब के पीछे भाग भाग के। एक वहां बैठा हुआ है, ऐना ट्रैक्टर चला रही है। और ये देखिए देखिए बेटा, आयरा के पैर है। ये ऐसे बात कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, इन केस आपको सुनाई ना दिया हो। इस वक्त हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं। बहुत एक्साइटेड, और माहीन कह रही है मैं हद से भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मजा आ रहा है आयरा? आपको मजा आ रहा है? काम खत्म। शाबाश बेटा। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, चलो चलो लिफ्ट में आओ। आयरा चलो बेबी, हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं और एज यूजुअल बच्चे मुझे छोड़ के भाग गए हैं। अभी हम जा रहे हैं मिरर मेज में। मैं नहीं जाना चाहती, मगर यहाँ का रूल है कि किसी बड़े को बच्चे के साथ, बच्चों के साथ किसी बड़े को लाजमी जाना है, तो मुझे जाना पड़ेगा। हालांकि मैंने जब किसी के व्लॉग में देखा था ये मिरर मेज, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब देखते हैं मैं कैसे सर्वाइव करती हूँ। तो चलो पिक योर स्टिक, फॉर्म स्टिक। रब नवाज वेट, साथ साथ रहना बेटा। आप अगर वहाँ पे मिसप्लेस हो गए ना, तो आप हमें ढूंढते रहोगे, परेशान हो जाओगे अंदर जान। अच्छा मेरी बात सुन लो, ठीक है? ओके, वो जो इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं आप सुनो पहले सारे, ठीक है? अंदर रनिंग नहीं करनी है, साथ साथ रहना है, इधर उधर नहीं होना, ठीक है? जो यहाँ गुम हो गया मैं उसे छोड़ के चली जाऊंगी, ठीक है? आयरा आप मेरे पास आ जाओ बेबी। एना इसका हाथ पकड़ो। तो ये है मिरर मेज, इस तरफ मिरर है, ये भी मिरर है, और यहाँ से रास्ता है, यहाँ मिरर नहीं है गाइस। आयरा ये मेरा बैग पकड़ो, बेबी होल्ड माय बैग। ओके नाउ लेट्स गो। चलो तो इस वक्त मैं मिरर मेज में हूँ। मैंने इन बच्चों से कहा भी था कि मुझसे अलग नहीं होना है, साथ साथ रहना है, और अभी मेरे पास सिर्फ नंबर 6 है, बाकी 5 बच्चे पता नहीं कहाँ है, तो उनको ढूंढ के वहाँ मिरर में नजर आ रहे हैं, मगर सामने है नहीं, तो चलते हैं ढूंढने। चलो एग्जिट साइन मिल गया हमें। ये बेटा बाकी कहाँ है? बाकी के 3 कहाँ है लड़कियाँ? निकल भी गए, मैं दूसरी बार आया हूँ। पक्का निकल गए वो? ओह गॉड, वो दोबारा तुम लोग दोबारा नहीं जाओगे। वेट हियर, इधर रुक जाओ। नहीं भाई ये बच्चे संभालना बहुत मुश्किल है, खाला के बस की बात नहीं है। रुक जाओ, भागना नहीं है। शान से इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ हो तुम लोग? मैं दोबारा चले जाओ। मैं इधर मेरा में मारियो की इधर नहीं, बाहर निकलो एग्जिट से। भागो नहीं और एग्जिट से बाहर निकलो। मुझे क्यों? जल्दी इधर भी चलो, लेट्स गो। मैं क्या करूँ, तुम लोग के पीछे पीछे रहना पड़ता है मुझे। आप शुरू से घूमे? मैं शुरू से घूम रही थी, मैं तुम लोगों को ढूंढ रही थी। सेकंड टाइम आई फर्स्ट। वो देखो आयरा फिर जा रही है, उसको पकड़ो पकड़ो उसे। ये रख के आओ जाके वहाँ पे बास्केट में रख के आओ, जल्दी जाओ। आ गया, चलो एक बार आ जाओ, स्टिक रखो बेटा बास्केट में। भाई ये बच्चे संभालना बिल्कुल भी इजी नहीं है। यहाँ चिल्ड एसी चल रहा है और उसके बावजूद मेरा हाल बहुत बुरा हो गया है, और एक एक पे चीख चीख के मैं थक गई हूँ।
नहीं सुन रहे, किसी को इधर जाना है, किसी को उधर जाना है, किसी को लेफ्ट जाना है, किसी को राइट जाना है। तो अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है हमारे दिन की, कुछ ही घंटे हुए हैं और इन्होंने मुझे थका दिया है। लेट्स सी कि आगे ये लोग क्या करते हैं मेरे साथ।